आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार मैं, राधा और दाम, हम तीनों छुपके से एक उपवन में चले गए आम तोड़ने के लिए। बड़े परिश्रम के पश्चात हम वहां पहुंचे और हम आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि इस बार तो आम पके ही नहीं है। अब दाऊ ने क्या किया, एक आम तोड़ा और उसे चखा और वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खट्टा है। फिर राधा ने एक आम तोड़ा और उसे चखा और राधा उत्साहित हो गई। मैंने राधा से पूछा, राधा हुआ क्या, इतनी उत्साहित क्यों? राधा ने कहा कि इस बार इतने अधिक कच्चे आम हैं, इसका हम आचार बनाएंगे। तो दाऊ वहां से निकल गए निराश होकर और खाली हाथ। राधा भी वहां से निकली किंतु उत्साहित होकर और ढेर सारे कच्चे आमों के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हर स्थान पर ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं, विकास की ओर जो हमें बढ़ा सकता है। ये सीख हर स्थान पे, सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अधिकतर लोग उस अभाव में दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंत में इसका निवारण करते हैं, संकट को मात दे देते हैं, संबंधों को पुनः जोड़ देते हैं। यदि आप सुख ढूंढते हैं तो आपको सुख अवश्य मिलेगा, प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। यदि आप दुख ढूंढते हैं तो आपको निराशा भी अवश्य मिलेगी। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं, चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।